ज़्यादातर सभी महिलाएं चाहती हैं लंबे बाल, लेकिन जब हेयर फॉल ही इतना ज़्यादा हो रहा है तो लंबे बालों का सपना तो भूल जाओ। जब हमारी स्कैल्प ही हेल्दी नहीं है तो उसमें हेयर फॉल तो इतना ज़्यादा होगा ही, और जब हेयर फॉल होगा तो हेयर ग्रोथ तो आप भूल ही जाओ। तो स्कैल्प को हेल्दी कैसे रखा जाए, अब केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स पर डिपेंड होना तो बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि ये स्कैल्प को तो बर्बाद करते ही करते हैं, साथ ही साथ आपके बालों को बुरे तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। बाल जगह जगह से डैमेज होने लगते हैं, ड्राई होने लगते हैं, और अंत में नौबत ऐसी आ जाती है कि हमें गंजेपन का या बाल्डनेस का भी सामना करना पड़ता है। अब ऐसा क्या ट्राई करें, कौन सी रेमेडी ट्राई करें, वैसे तो ढेरों रेमेडीज़ हैं, इसमें आप कन्फ्यूज़ हो तो आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी ऐसा नुस्खा जिसके 7 दिन लगातार इस्तेमाल से आप अपनी परेशानियों को हल कर पाओगे। तो वीडियो बिना स्किप करे लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ आएगा। स्किप करोगे तो आप पूरे तरीके से फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सबसे पहले तैयार करेंगे हम बालों के लिए एक काला तेल, फिर उसके बाद हम तैयार करेंगे बालों के लिए एक नेचुरल क्लींजर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको लेना है मेथी दाना। मेथी दाने को ग्राइंड करके इसका एक फाइन पाउडर तैयार कर देना है। मेथी दाना आपके बालों की जड़ों को बहुत मजबूत बनाता है। जैसा कि आप सबको पता ही है, मेथी दाना हेयर ग्रोथ के लिए कितना ज़्यादा सहायक है, साथ ही साथ ये हेयर फॉल में भी बहुत ही वर्क करता है। दूसरा इंग्रेडिएंट हम यहाँ पर ले रहे हैं कलौंजी। कलौंजी को भी हमने ग्राइंड करके पाउडर बना लिया है। कलौंजी आपके बालों को नेचुरली काला रखती है, घना बनाती है, उन्हें वॉल्यूमाइज करती है। उसके अलावा कलौंजी के बेहद फ़ायदे हैं, ये डैंड्रफ में भी आपके बहुत ही सहायता करती है। आपके बालों से डैंड्रफ को, किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को कलौंजी दूर करता है। फिर उसके बाद जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं भृंगराज पाउडर। भृंगराज पाउडर हम ले रहे हैं नेचर श्योर का, और नेचर श्योर का हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसके प्रोडक्ट 100% ऑर्गेनिक होते हैं, प्योर होते हैं, इनमें कोई भी मिलावट, केमिकल्स या फ्रेगरेंस एडिड नहीं होती है, ये बिल्कुल। अच्छा, भृंगराज भी हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन करता है जिससे आपकी स्कैल्प हेल्दी बनती है, एंड ये हेयर ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा सहायक होता है। ये हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है जिससे आपका हेल्थ ग्रोथ में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। तो हम एक चम्मच ले रहे हैं यहाँ पर भृंगराज पाउडर। अच्छा, अब आप लोग ये सोचो कि कोई भी रेमेडी हम इस्तेमाल करें और एक बार में ही बाल घुटनों तक लंबे हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ये प्रोसेस धीरे धीरे ही होता है, आपको चीज़ें अच्छे से इस्तेमाल करनी होती हैं। फिर हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं मेथी दाने का पाउडर, उसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं कलौंजी का पाउडर जो हमने पीस के रखा था। फिर उसके बाद हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं कोकोनट ऑयल का। कोकोनट ऑयल आपके बालों को सिल्की शाइनी स्मूथ बनाता है, और ये बहुत ही लाइट हेयर ऑयल होता है, इसलिए ज़्यादातर हम अपने हेयर ऑयल में कोकोनट ऑयल का ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छे तरीके से इनको आपको मिक्स कर देना है प्रॉपर तरीके से, ताकि सारे इन्ग्रीडियंट इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ। अभी ये तेल आपका रेडी नहीं हुआ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसको हम पकाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसको आपको 5 दिन के लिए धूप में रखना है ताकि अच्छे तरीके से ये इन्फ्यूज़ हो पाए। 5 दिन के बाद आपका तेल यूज़ करने के लिए एकदम रेडी है। इसको आपको यूज़ कैसे करना है, इसको आपको रात में यूज़ करना है, अपने बालों की जड़ों में अप्लाई करना है। बेहतर होगा आप इसको रात में ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। 7 दिन तक आपको इसका लगातार इस्तेमाल करना है, रात को अपने बालों में लगा के इसको सो जाएं। सुबह उठने के बाद आपको क्या करना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए अब आपको इसको दिखा देते हैं, इसका टेक्सचर कितना बढ़िया आया है, कितना अच्छे तरीके से ये काले कलर का बनकर तैयार हुआ है। ये आपके बालों का ना सिर्फ हेयर फॉल को रोकेगा बल्कि आपके बालों की हेयर ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा सहायक होगा। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं दूसरी रेमेडी। इसके लिए इस्तेमाल से आपके बाल इतने ज़्यादा सॉफ्ट सिल्की हो जाएंगे, साथ ही साथ आपके बालों में इतना अच्छा बाउंस आएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये आपके बालों के लिए एक नेचुरल क्लींजर है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी शिकाकाई पाउडर की। अगेन हम नेचर श्योर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इनके प्रोडक्ट, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, 100% जेन्युइन होते हैं, फ्रेगरेंस फ्री होते हैं, केमिकल फ्री होते हैं, किसी भी तरीके के कोई भी इसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं होती हैं, सर्टिफाइड होते हैं। जब आप इस प्रोडक्ट को परचेज़ करोगे तो सबसे अच्छी बात यह है, इसके साथ आपको एक इनकी प्योरिटी का सर्टिफिकेट भी मिलता है, साथ ही साथ इसके साथ एक कार्ड मिलता है, उसमें ढेरों तमाम रेमेडीज़ आपको लिखी मिलती हैं, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो, बालों से रिलेटेड हो। उसी तरीके से इसके कार्ड में भी आपको स्किन से लेकर बालों तक सारी तरीके से किस तरीके से ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है लिखा हुआ मिल जाएगा। तो एक चम्मच हमने शिकाकाई ले लिया है। उसके बाद हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं बेसन का। जिस तरह बॉडी को मल्टीविटामिन की ज़रूरत होती है, ऐसे ही हमारे बालों को भी होती है, और बेसन आपके बालों के लिए मल्टीविटामिन का काम करता है। उसके बाद हम इसमें
ऐड कर रहे हैं ब्लैक सीड ऑयल, क्योंकि ब्लैक सीड तो आपको पता ही है हमारे बालों के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है, इसलिए हम ब्लैक सीड ऑयल इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। ये तैयार हो गया हमारा बढ़िया सा हेयर क्लींजर। आपको करना क्या है, जैसे आप रात भर के लिए वो तेल लगाकर सोए थे, अगले सुबह आपको उठ के अपने बालों को वॉश नहीं करना, सबसे पहले इस क्लींजर को अपने बालों की जड़ों में अप्लाई करना है और अच्छे तरीके से आपको मसाज करनी है। ध्यान रहे वो ऑयल आपको रात भर के लिए रखना है, फिर अगले दिन आपको सुबह उठ के इस क्लींजर को अपने बालों में अप्लाई करना है। जड़ों में अच्छे तरीके से लगाइए, इसको मसाज करिए। अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी लगती है तो आप इसमें पानी ऐड करके पतला कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। ये प्रोसेस आपको 7 दिन तक लगातार करना है। फिर जब 2 घंटे तक इस क्लींजर को लगा रहने के बाद आपको शैम्पू कर लेना है। तो इन दोनों चीज़ों का रेगुलर बेस पे अगर आप 7 दिन तक इस्तेमाल करोगे तो यकीनन आपका हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो प्रोडक्ट हमने आपको दिखाया उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।